छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन महादेव सट्टा ऐप का मामला जमकर गूंजा। विधायक ऋकेश सेन राजेश मूणत ने महादेव सट्टा ऐप मामले में दोषियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। वैशाली नगर विधायक ऋकेश सेन ने कहा कि जो भिलाई खेल और शिक्षा धाने के रूप में जाना जाता था, अब महादेव के रूप में जाना जाने लगा है। मेरा मूल प्रश्न यही है कि मेरी विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें संलिप्त हैं, लेकिन इनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी महादेव ऐप के संरक्षक थे और उन्होंने खुद भी आईडी संचालन किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सदस्य की चिंता वाजिब है, कानून कड़ा होना चाहिए और कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, प्रामाणिकता की बात है, एक बार प्रमाणित होने के बाद सदस्यों को इस विषय पर कार्रवाई होती दिखेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मुनत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। भिलाई को खेल धानी और शिक्षा धानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि युवाओं की चिंता इन्होंने की, मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं, उन बरातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल SP जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे SP, ऐसे IG जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, कानून का राज होना चाहिए और कानून के नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है, एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।